बंद होने का जो वक्त आया है, विधायक महिला हम इनसे बात करेंगे। अब आप ना जाओ तो सीधा सीधा जो पोस्टर लगाए कि अब मुस्लिम बहनों को मिलेगा इंसाफ और सम्मान, जाहिर तौर पर लोकसभा के ये था इसमें दम और पीछे हट पीछे हो गया आखिरी भाई बीच में ही रहा अगर जलाएगा रे भाई पूरा भाई चलिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साहस को सलाम करता है कि इस देश में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता तुष्टिकरण के नाम पे देश में राजनीति कर रहे थे। लंबे समय से मुस्लिम समाज की जो बहनें थीं वो न्याय के लिए दर दर भटकती थीं, उनको न्याय नहीं मिलता था, उनके यहाँ निकाह होता था, निकाह होने के बाद पति से छोटी मोटी घर में हर घर में झगड़े विवाद होते हैं, अगर विवाद झगड़ा हो जाता था तो उसको 3 बार कह दिया जाता था तलाक तलाक तलाक, और इसके बाद उसको अलग कर दिया जाता था। वे न्याय के लिए अपने माता पिता के साथ, अपने अब्बा और अम्मी के साथ भटकती रहती थी, आज उसको न्याय मिला है। वो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देने के लिए आई हैं, वे नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए मेरे भोपाल में महापौर निवास पे आई हुई है। मैं सबके साथ उनके साथ जो न्याय हुआ है उसकी खुशी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी शरीक हैं, हम उनके साथ उस जश्न में शामिल हैं। जिस महिला की तलाक अगर हो जाती है तो वो महिला का क्या फ्यूचर रहता है, क्या लाइफ रहती है? एक इस्लाम में जो चीज़ है वो तो है ही, लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह मुस्लिम बहनों के लिए इतनी अच्छी सोच जाहिर करी है और इतना अच्छा सोचा है, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में सोचा है कि अच्छी ज़िंदगी महिला को एक हक के साथ और इज्जत के साथ ज़िंदगी मिले, उससे हम मुस्लिम बहनें सभी बहुत खुश हैं।